जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा आवाज आ रही है? रिवायत जो है कहाँ से शुरू करनी जी? जी बतलाएंगे हदीस नंबर 12 जी। ठीक है चलिए जी सुनाए। अल्लाह तो मिन अल्लाह हैंड रेस करें। जी समिया यू सुनाए जी। अल अनातु मिन अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अनातु बुर्दबारी मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से है। वल उजलतु और जल्दबाजी मिन शैतान शैतान की तरफ से है। अल अनातु मिन अल्लाह बुर्दबारी या वकार अल्लाह की तरफ से है। वल उजलतु मिन शैतान और जल्दबाजी शैतान की तरफ से। जी अस्सलाम वालेकुम। अल अनातु बुर्दबारी मिन अल्लाह अल्लाह की तरफ से है। वल उजलतु मिन शैतान और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। अल मुमिनु ये गर्रा का मतलब मुझे थोड़ा सा भूल रहा है। मोमिन भोला भाला होता है। वल फाजरिन और फाजिर यानी गुनाहगार बदकार हब्बल यमीन कमीना होता है। हब्बा लयम المؤمن مؤمن غر رجل کریم شریف ہوتا ہے بل فاجر اور فاجر جو ہے وہ خبن دھوکے باز ہوتا ہے لئیم کمینہ ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا خبن اور خبن دونوں تعلق ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ہاں جس پہ خبن لان جی لکھا ہوا ہے خبن لئیم دونوں طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میں تحقیق کر لی تھی لغت میں تو دونوں طرح پھر تال بنے ہوئے آگے حدیث مبارکہ ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ الظلم ظلمات یوم القیامہ قرۃ العین جی الظلم ظلم ظلمات اندھیروں کی صورت میں ہوگا یوم القیامت قیامت کے دن الظلم ظلمات یوم القیامہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا جی البادی بالسلامی بری ام من الکبر البادی بالسلامی بری ام من الکبر جی اس کا ترجمہ کریں صدف صدف ترجمہ کریں البادی کا نہیں آ رہا پہل کرنے والا پہل کرنے والا بالسلامی سلام میں بری ہے من الکبر غرور سے تکبر سے ہاں جی جو سلام میں پہل کرے وہ تکبر سے بری ہے آگے بھی کرے نہیں اگلی حدیث مبارکہ جو پڑھنی ہم نے تو وہ پڑھ لی تھی شاید عالیہ مبین آگے پڑھ لیں بیٹا عالیہ وہ اچھا وہ غلطی سے بیٹا میں دوسری ریکویسٹ بھیجا غلطی سے ہاتھ لگ گئے جی چلیے
जी खोल ली नहीं रहा माइक। माइक बेटा खोल दिया मैंने, दे दिया दोबारा ऑप्शन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी ये अलबादी वाली पढ़नी, दुनिया दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नत। अच्छा जी, अल दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, व जन्नत काफिर, और काफिर के लिए जन्नत है। जी अगली हदीस मुबारका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सिवाकु मतहरतुन लिलफम व मर्दातुन लिर्रब। कि मिसवाक जो है मुंह को पाक करने वाली, साफ करने वाली, मर्दातुन लिर्रब, और रब को खुश करने वाली है, अल्लाह को राजी करने वाली है, अल्लाह की रजा का जरिया है। मिसवाक मतहरतुन, मितहरा हो आला, मुंह को पाक करने का आला। मतहरा देखिए इसमें पाकिजगी का, तहारत का माना है। सिवाक मिसवाक, फम मुंह को मैं कहते हैं, और मर्दात जो है वो रजा से है, राजी। रब रब, अस्सिवाकु मिसवाक, मतहरतुन लिलफम, मुंह को पाक करने वाली है, व मर्दातुन और खुश करने वाली है, लिर्रब रब को, अल्लाह की रजा का जरिया है। तो मिसवाक मिसवाक है बेटा, मतहरतुन लिलफम, मुंह को पाक करने वाली, ठीक है तो मस्तर है मतहरा, लेकिन इसमें फाइल के माना में। इसी तरह मर्दात, ये भी मस्तर है और लेकिन इसमें फाइल के माना में है। ले रब, रब के लिए, अल्लाह को खुश करने वाली। तो आसान हो गया, अस्सिवाकु मतहरतुन लिलफम, मिसवाक मुंह को साफ करने वाली, ठीक है, और वमर्ज़ातुन लिर्रब, रब को खुश करने वाली। जी मायरा गालिब, अस्सिवाकु मुतअख्खिरतुन लिलफम, मस्वाक मुंह को पाक करने वाली है, और मर्ज़ातुन लिर्रब, और अल्लाह की खुशनूदी का जरिया है। जी इसको सुनाए समीना सईद। अस्सिवाकु मुतअख्खिरतुन, मुस्वाक जो है वो मुंह को पाक, मुतहरतुन लिफ़हम, मुस्वाक जो है वो मुंह को पाक करने वाली है, व मरवाती लिरब, और रब की खुशनुदी का जरिया है। माइक ऑफ कर दें। मस्तर इसमें फाइल के मान हम बेटा मुतहिरा ना करें, ठीक है। अल यदुल उलिया खैरुन मिन अल यदिस सुफला, बेटा मीम पर जबर, जबर मतहरा, ठीक है, मीम मतहरा, मस्तर नीचे लिखा हुआ है। अल यदुल उलिया खैरुन
من الید السفلى ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी जो ऊपर वाला हाथ है जिससे खर्च करते हैं वो मांगने वाले हाथ से बेहतर है। अल्यदुल उल्या ऊपर वाला हाथ, ठीक है। तो अगर आप देखें यद हाथ है खैर बेहतर, और उलुव कहते हैं बुलंदी को, उलुव आलीशान, मैं आपको समझाने के लिए उर्दू में है ना, आली तो ऊपर और सुफला, ये सिफल सीन फा लाम का माना नीचे के लिए आते हैं। तो अल यदुल उलिया ऊपर वाला हाथ, यानी जो हाथ खर्च करता है देने वाला हाथ, खैरुन बेहतर है, मिनल यदिस सुफला नीचे वाले हाथ से जो मांगने वाला हाथ है, लेने वाला हाथ है। जी फरजाना सज्जाद जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदुल सुफला, ऊपर वाला हाथ बेहतर है नीचे वाले हाथ से। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। जी मरियम सईदुर रहमान। अल्यदुल उलिया ऊपर वाला हाथ खैरुन बेहतर है, मिन अल्यदिस सुफला नीचे वाले हाथ से। जी यानी क्या मतलब, क्या मतलब रिफत, क्या मतलब इसका? वालेकुम सलाम। क्या मतलब ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है? जी आपकी आवाज साफ नहीं आई। जी सुमेरा कारी जैनब, मेरा कारी एंड सेन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, सुनाएं। जी उस्ताद, इसका मतलब यह है कि जो देने वाला हाथ वो बेहतर होता है मांगने वाले हाथ से। जी जो खर्च करने वाला हाथ है लेने वाले हाथ है वो क्या है, बेहतर है। जी अगली हदीस मुबारक जो है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। तो गीबत का लफ्ज़ भी उर्दू में बोलते हैं, ज़िना का भी बोलते हैं, शदीद का भी बोलते हैं। गीबत बेटा होता है किसी की खामी हो, ये ना कि उसमें खामी है, उसकी खामी को लोगों के सामने जिक्र करना, उसकी खामी को लोगों के सामने जो है वो बयान करना, इसको गीबत कहते हैं।
اگر خامی نہ ہو کسی کی وہ بیان کرنا یہ بہتان ہے، خامی ہو اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ فرمایا کہ یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیسے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو آدمی وہ وہ جو معافی ہوگی نا، پتہ ہی کٹ گیا تھا بیٹا، اچانک کٹ گیا تھا۔ تو غیبت کرنے والا جو ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، وہ غیبت کرتا جاتا ہے، گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ توبہ کی توفیق اگر اللہ دے بھی دیں، لیکن اس کے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی۔ غیبت جس کی غیبت کی ہے وہ معاف کرے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں الغیبت مبتدا ہے اور اشد منا اس کی خبر ہے۔ جو 14 نمبر حدیث تھی اس میں الید العلیا مبتدا ہے، خیر من الید السفلی یہ اس کی خبر ہے۔ سباکم طارت سواق مبتدا ہے، ان کا حصہ ہے۔ الطہور، اچھا بیٹا اب آپ کے رول نمبر ایشو ہو گئے ہیں تو جائے گی انشاءاللہ، یکم سے جو ہے ہم پھر حاضری شروع کر دیں گے۔ تو جو طالبات جو ہیں وہ پھر حاضر نہ ہوئیں تو وہ باقاعدہ طالبات نہیں ہیں، وہ ہماری درس نظامی کی باقاعدہ طالبات نہیں ہیں، صرف سامع ہیں، سننے والی ہیں۔ وہ کسی سند کا مطالبہ ہم سے نہیں کر سکیں گی، امتحان کا مطالبہ نہیں کر سکیں گی، نہ کوئی سند نہ کوئی امتحان، جو ریگولر نہیں ہوں گی۔ سند اور امتحان صرف انہیں کا کہ جو ریگولر ہوں، باقاعدہ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ باقی آج وہ آپ کے پاس فیس کا اکاؤنٹ بھی پہنچ گیا ہے کہ جس میں آپ لوگوں نے فیس بھیجنی ہے، تو 1000 روپیہ رجسٹریشن فیس تھی اور 2000 روپیہ آپ کی وہ ماہانہ فیس ہے، تو اس میں بھی آپ لوگ پھر جو ہے وہ اکاؤنٹ میں آپ کی فیس جو ہے وہ مینج کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ تو حاضری اور دوسرا اپنی فیس جو ہے وہ، اور
अगर किसी तालबा का नंबर नहीं आया रोल नंबर तो सौदा के जो है वो व्हाट्सएप पे आप फिर अपने वाइफ भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा, वाइफ जो लिखे हुए अभी से वो सब आता है। अब एक तालबा जो है सिर्फ अपना नाम लिख के भेज दीजिए, मेरा रोल नंबर या नाम शामिल कर दे। बेटा जो कवायफ हैं वो तो पूरे भेजे, अब सिर्फ आप अपना नाम जो है ए बी सी जी वो लिख के भेज रही हैं, तो अब इसमें अब देखें इतना तो आपको ना मैनर का तरीकों का पता होना चाहिए कि जो जो कवायफ उस पर कॉलमों में लिखे हैं वो आप पूरे भेजें, आप अपना नाम सिर्फ लिख के भेज देंगे उस्ताद जी मुझे रोल नंबर इशू कर, तो इतना आप लोगों को जरा ख्याल करना चाहिए। الطهور شطر الايمان, الطهور پاکیزگی صفائی, شطر حصہ الايمان ایمان کا صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ الطهور طہارت سے بیٹا اور ایمان ایمان شطر حصہ ठीक है, तो तहारत जो है वो ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है। ठीक है, बाकी ये रजिस्ट्रेशन आपकी वन टाइम है, ये बेटा वन टाइम है, छह साल में एक ही दफा है, बाकी महाना फीस होगी आपकी लेकिन रजिस्ट्रेशन वन टाइम। अतहूर तहारत शत्र हिस्सा अल ईमान, ईमान का जुज है, ईमान का हिस्सा है। ठीक है, और अकाउंट सिर्फ यही है। ठीक है, मैं आप लोगों से जो है बात कर रहा हूं फीस के लिए, अकाउंट सिर्फ ये। ठीक है, और कोई अकाउंट नहीं है हमारा फीस का, जो है सिर्फ ये अकाउंट है। जो बैरून मुल्क हैं उनके लिए अगर दिक्कत हो अकाउंट में भेजना तो वो फिर वेस्टर्न यूनियन से जो है वो क्या कर सकती हैं, वो मौली उमैर का जो है वो नंबर दिया हुआ है, लेकिन मौली उमैर को भेजने के बाद आप हमें जो है मुझे इतला करेंगे जरूर। ठीक है, हैंड रेज खत्म कीजिएगा, जरा हैंड रेज खत्म कीजिएगा, सब हैंड रेज खत्म कर बेटा, हैंड रेज खत्म कीजिएगा। मारिया गालिब, अच्छा जी, आप बैरून मुल्क से जो तालबात हैं वो जरा हैंड रेज कीजिएगा, बैरून मुल्क से। जो बैरून मुल्क से हैं, अच्छा जी, मुनज़्ज़ा मलिक आप कहाँ से हैं? मुनज़्ज़ा मलिक, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब, मैं सिंगापुर से हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हैं जी, सिंगापुर से हूँ मैं। वेलकम, कहाँ से हैं बेटा? सिंगापुर से। अच्छा ठीक जी बेटा, ठीक। नसीम साकिब आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, दुबई से। दुबई से आपदा नवीन साउथ अफ्रीका से। एजी पे अकाउंट है उसमें हम बेच सकते हो? है हमारे पाकिस्तान में एजी पैसे का अकाउंट है, उनसे हम आप लोग को बेच सकते हैं वो रोशन अकाउंट, रोशन वाला जो एजी पैसा वाला होता है, क्योंकि वैसे अपने रिश्तेदार को उस पे बेचते हैं। हाँ 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 हाँ, बेच सकते हैं जी। मरियम सईदुर रहमान आप कहाँ से हैं?
जी उस्ताद जी, कुवैत से। कुवैत से जी बेटा, ठीक है। अच्छा नुसरत, आप इंडिया से हैं? जी। अच्छा बेटा, आपके लिए फिर कोई नज़्म करेंगे, दुबई वाया दुबई तो देखेंगे, है व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा, फिर देख लेंगे। हाँ जी सुमैया सईद, आप कहाँ से? जी उस्ताद जी, मैं भी कुवैत से। दुबई से? कुवैत से उस्ताद जी, कुवैत से। सादिया। अच्छा बेटा सादिया। जी उस्ताद जी, मैं यूके से। फराह अकील। जी मैं सऊदी अरब में हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान से भेज सकती हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ वैसे ऑलरेडी भेज दिए हैं। भेज सकते हैं बिल्कुल। अंबर। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मैं भी सऊदी अरब से हूँ। सऊदी अरब। और फायजा। जी सऊदी अरब। अच्छा माशाल्लाह। बस जिनके रोशन स्कीम अकाउंट है उनके लिए बेहतर है, वो ज्यादा अच्छा है, वहीं से भेज दें, ताकि आप लोगों के लिए भी किसी के लिए, अगर किसी के लिए कोई मसला जैसे इंडिया वालों के लिए मसला है भेजना जो है ना जी, तो वो फिर मेरे से व्हाट्सएप पे रابطہ कर लेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप